चैप्टर जो था लेसन नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और जो भी मेन क्वेश्चन है मैंने एग्जांपल के थ्रू या आपके एग्जाम्पल थ्रू मैंने सारे क्वेश्चन वहाँ डिस्कस कर दिए थे। अब हम चैप्टर देखेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स, है ना, चैप्टर 5 है क्लास मैथ्स। ठीक है, आप देख सकते हो एक्सपोनेंट्स एंड बेस क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिया है 2 to the power 5, है ना, आप देख सकते हो 2/5 है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर 2 जो है इसे कहते हैं बेस कहते हैं, और आपका जो 5 होता है वो एक्सपोनेंट कहलाता है ना। इसी आइए पावर और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि जो आपका एक्सपोनेंट की मदद से है ना, व्हेन नंबर्स आर एक्सप्रेस यूजिंग एक्सपोनेंट्स दे आर कॉल्ड पावर। देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिया है 2/5 है, इसे क्या पढ़ेंगे 2 to the 5th power of 2, है ना, यानी 2 का पावर क्या है 5/5 है ना, यानी 2 to the 4th power of 2, यानी 2 का पावर क्या है 4 है। ठीक है, वैल्यू अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, समझिए पावर क्या है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अब आइए इसको वैल्यू कैसे, निगेटिव में है तो क्या, अगर बेस निगेटिव में है तो क्या होता है, जैसे कि मैंने -6 लिया है, यानी पावर 2 है, मतलब 2 times मल्टीप्लाई होगा, -6 into -6 करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा, +36 आएगा, मतलब पॉजिटिव में आएगा, जो -- क्या होता है प्लस हो जाता है। उसी तरह मैंने और एग्जाम्पल लिया है -2 लिया है, क्योंकि -2 into -2 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा जनरली। ठीक है, क्योंकि -- क्या होता है प्लस हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सपोनेंट ऑन द रैशनल नंबर, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रैशनल नंबर के बारे में, तो अगर रैशनल नंबर पे अगर पावर आ जाए तो क्या होगा, है ना, अगर पी वाई क्यू के पावर होल पावर एन है, इसका मतलब ये हुआ कि पावर पी के लिए भी है और क्यू के लिए भी है। ठीक है, यानी पी का पावर एन भी होगा और क्यू का पावर एन भी होगा। ठीक है, मेरे एग्जाम्पल भी यह है 3/5 क्या है रैशनल नंबर है, इसका पावर क्या है 2 है, मतलब ये पावर 3 के लिए भी है और 5 के लिए भी है, यानी 3/2 लिखाएगा और 5/2 लिखाएगा। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा, 5 × 5 करेंगे तो 25 आएगा, यानी 9/25 आएगा। एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना, यानी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर दिया गया फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, बट यहाँ पे लिखा हुआ है n टाइम्स, यानी इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 6 to the power m, क्योंकि 6 क्या है लिमिटेड है कितने टाइम 7 टाइम है ना, तो आपको इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, है ना, जो कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया है -5/4 है ना, मतलब -5 कितने बार मल्टीप्लाई होगा 4 times 1, 2, 3, 4, है ना, आप मल्टीप्लाई करोगे 5 × 5 करोगे 25 आएगा, यहाँ पे करोगे 5 × 5 करोगे 25 आएगा, 25 × 25 करोगे तो क्या आएगा 6 to 5 आएगा, और माइनस आप जानते हो कि पावर इवन नंबर है तो फिर क्या होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, एंड -- प्लस माइनस प्लस, यानी +6 to 5 ही आएगा। थर्ड नंबर में यहाँ पर भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लिया है 7 to 9, है ना, तो हमने क्या किया इसे आपका जो न्यूमरेटर है 7 to 9 को क्या किया है फैक्टराइज किए हैं, प्राइम फैक्टराइज किए हैं, तो हमें इस तरह का आपको नंबर मिल गया 3 × 3, यानी आप देख सकते हो है ना आपको 6 times मिला है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 1331 को फैक्टराइज किया है तो ये 11^3 के फॉर्म में टूटा है, तो हमें भी इसे भी 7 to 9 को भी हमें क्या करना है पावर 3 के फॉर्म में तोड़ना है, इसलिए हमने क्या किया है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 किया है, यहाँ भी 9 हो गया, यानी हमें क्या मिल गया है 9^3 मिल गया है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं 9^3 हो गया और 11^3 हो गया, यानी इस तरह से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं
लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, तो हमें से बात है कि माइनस थ्री पावर सेवन है इंटू वन बाई थ्री पावर एट है, तो आपको माइनस सिक्स जो दिया गया है आपको सेवन टाइम मल्टीप्लाई करना ही करना होगा। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है सेवन टाइम और वन बाई थ्री यानी वन के पावर वन ही, वन के पावर कुछ भी करेंगे तो वन ही आएगा, यानी क्या है ये फ्रैक्शन के रूप में है तो क्या आएगा थ्री इसके नीचे चला आएगा, यानी थ्री कितने टाइम्स है एट टाइम्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो मैंने क्या किया है क्रॉस काट दिया है जो कट सकता था, बाकी जो बच गया उसे मैंने मल्टीप्लाई करके फाइनली आंसर हमारा 128 आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर रहेगा आपका इवन नंबर, तो यहाँ क्या आएगा साइन में पॉजिटिव आएगा और थ्री के थ्री ही रह जाएगा, टू मल्टी जो टू दिया गया है सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 128 आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में, आपने कंपेयर करना है फोर पावर टू और टू पावर फोर है ना, आप देख सकते हैं कि फोर के पावर टू मतलब फोर इंटू फोर है ना 16 आएगा, टू के पावर फोर मतलब टू को फोर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16 आएगा, तो यहाँ पर हमें कंपेयर में देखने के लिए ये मिला कि दोनों क्या है इक्वल है, तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 5.1 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।